कबीरदास जी सादा जीवन और उच्च विचार रखते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बनारस के राजा वीर सिंह उनके भक्त हुआ करते थे। कहते हैं कबीरदास जी जब भी राजा से मिलने जाते तो राजा उन्हें राजगद्दी पर बैठा देते और खुद वो उनके चरणों में बैठ जाते। एक दिन कबीरदास जी ने सोचा कि राजा की परीक्षा ली जाए। अगले ही दिन कबीरदास जी एक मोची और एक महिला भक्त जो कभी वेश्या हुआ करती थी, इन दोनों को लेकर बनारस के बाजारों में राम नाम जपते हुए गए। कबीरदास जी ने अपने हाथों में दो पानी की रंगीन पानी की बोतलें ली हुई थी जो शराब जैसी प्रतीत होती थी। कबीरदास जी के शत्रुओं को उन पर उंगली उठाने का मौका मिल गया। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंच गई। कुछ समय पश्चात कबीरदास जी राज दरबार पहुंचे। इस बार राजा का व्यवहार बदला हुआ सा था। वो राजगद्दी से नहीं उठे। कबीरदास जी को तुरंत समझ में आ गया कि राजा और आम लोगों में कोई फर्क नहीं है, उनकी समझ एक जैसी ही है। कबीरदास जी ने अपने हाथों में लिए हुए दोनों बोतलों को जमीन पर पटक दिया। राजा ने मोची से पूछा, गुस्से से पूछा कि ये सब क्या है? तो मोची बोला, महाराज, जगन्नाथ मंदिर में आग लगी है। इस पर राजा को जरा भी विश्वास नहीं हुआ। राजा ने अपने एक दूत को जगन्नाथ मंदिर भेज दिया। जब दूत लौटा तो उसने राजा को बताया कि जगन्नाथ मंदिर में सचमुच आग लगी थी और जो बुझा दी गई है। इस बात की पुष्टि वहाँ के आसपास के लोगों ने की है। राजा को अपने व्यवहार पर बहुत शर्म आई और राजा ने कबीरदास जी पर से माफ़ी भी मांग ली। कबीरदास जी के ऊपर उनका दृढ़ विश्वास और भी दृढ़ हो गया।